दोस्तों, अगर आपने साथ निभाना साथिया सीरियल देखा है तो इस सीरियल के चाइल्ड आर्टिस्ट को भी देखा होगा। आज हम उसी चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जो आज काफी बड़े और काफी बदल चुके हैं। नंबर एक, मजेल व्यास। साथ निभाना साथिया सीरियल में मजेल व्यास ने चाइल्ड मीरा का किरदार निभाया था। उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। बता दें कि मजेल व्यास सीरियल में कुछ ऐसे नजर आती थी, लेकिन आज वे काफी खूबसूरत और बड़ी हो चुकी हैं। नंबर दो, एकलव्य आहिर। एकलव्य आहिर ने इस सीरियल में राशि के छोटे बेटे समर का किरदार निभाया था। इनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। बता दें कि एकलव्य आहिर सीरियल में कुछ ऐसे नजर आते थे, लेकिन आज वे काफी बड़े और हैंडसम नजर आते हैं। नंबर तीन, पलक पांचाल। साथ निभाना साथिया सीरियल में पलक पांचाल ने चाइल्ड विद्या का किरदार निभाया था। इनके नटखट किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। बता दें कि पलक पांचाल सीरियल में कुछ ऐसे नजर आती थी, लेकिन आज वे काफी बड़ी हो चुकी है और दिखने में बेहद ही क्यूट नजर आती हैं। नंबर चार, ईशांत भानुशाली। ईशांत भानुशाली ने इस सीरियल में राशि के बड़े बेटे साहिर का किरदार निभाया था। इनके अनोखे किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। बता दें कि ईशांत भानुशाली आज काफी बड़े हो चुके हैं और काफी स्टाइलिश नजर आते हैं। नंबर पाँच, वंश सयानी। साथ निभाना साथिया सीरियल में वंश सयानी ने किंजल के बेटे चाइल्ड प्रतीक धवल देसाई का किरदार निभाया था। उनका किरदार काफी मासूम रहा था। बता दें कि वंश सयानी आज काफी बड़े दिखते हैं और पहले की तरह मासूम और स्टाइलिश नजर आते हैं। नंबर छह, बेबी रीति। बेबी रीति ने सीरियल में गोपी की पहली बेटी चाइल्ड मीरा का किरदार निभाया था। इनके क्यूट किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वैसे सीरियल के बाद बेबी रीति की कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी कुछ तस्वीरें मिली हैं जिसे आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, साथ निभाना साथिया सीरियल में इन चाइल्ड कलाकारों में से आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।